केंद्र में मोदी की दूसरी सरकार में राजस्थान का दबदबा बढ़ता जा रहा है। जी हां, कैबिनेट मंत्री के बाद अब पीएम मोदी ने प्रदेश को लोकसभा अध्यक्ष दे दिया है। बीजेपी ने प्रदेश में लगातार दूसरी बार लोकसभा की सभी 25 सीटें हासिल की हैं। पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रतिनिधित्व मिला और अब कोटा बूंदी से दूसरी बार सांसद बने ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के सर्वोच्च पद से नवाजा गया और इससे राष्ट्रीय राजनीति में प्रदेश का कद और मान अधिक बढ़ गया है। और यही नहीं, तीसरी बार सांसद बने अर्जुनराम मेघवाल और पहली बार संसद पहुंचे कैलाश चौधरी को राज्य मंत्री की कमान सौंपी गई है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीती थी। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में राज्य के वोटर्स ने मोदी पर विश्वास जताया। संभवत उसी का ये नतीजा है कि राजस्थान को लोकसभा का सिरमौर पद यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का पद भी मिला है। अब तो राजस्थान की सियासत के दबदबे की गूंज दिल्ली के दरबार में भी अधिक सुनाई दे रही है।